तो सीन कुछ यूं है कि भाई आज जो है ना थोड़ी सी हमारे लिए बैड न्यूज़ है। तो अभी जो है ना हम लोगों को रूम वगैरह साफ करना, जितने ही मेहमान है सब वो हमारे घर पर आएंगे। भाई हम लोग सफाइयां भी करते हैं, घर को साफ भी रखते हैं और अच्छे से डस्टिंग वगैरह भी करते हैं। अल्लाह पाक हर माँ बाप को, हर किसी के माँ बाप को जिंदगी दे, लंबी जिंदगी दे और हर किसी को अपने जुमान में रखे, उनको सेहत दे। देखो भाई आपकी कराची की लड़की ने क्या बनाया है, हाय 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 मजेदार। हमारी व्हाइट कढ़ाई है, ये भी मैंने कल रात में रेडी की थी तो आज निकाल लिया हम लोगों ने। 3 दिन रहकर आए हॉस्पिटल में हम। सेकंड हम दिक्कत तकेंगे। ये जो है ना तंदूरी चिकन की तरह बना, सेम टू सेम। फिर भी ये तंदूरी चिकन की तरह बनाए। ओ कंफ्यूज हो गई, बाकी अच्छी नहीं बनी, किसी ने नहीं बनाई, जबरदस्त बनी अपनी अपनी। थोड़ी सी हमारे लिए बैड न्यूज़ है बिकॉज आज जो है ना हमारी नानी की तबीयत थोड़ी मींस के ख़राब है और उनका जो है ना बीपी शूट हो गया, तो हम लोग करनी पड़ेंगी घर की सफाइयाँ। तो हमारे घर ना कुछ मेहमान आ रहे हैं क्योंकि नानी अभी हॉस्पिटल में है और वो जैसी घर आएंगी तो हम लोग उनको अपने घर ले आए हैं, मींस पापा मम्मा उनको अपने घर लेकर आ रहे हैं हमारे। तो अभी जो है ना हम लोगों को रूम वगैरह साफ करना, जितने ही मेहमान हैं सब वो हमारे घर पर आएंगे। तो आप लोग मेरी नानी की सेहत के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह पाक हर माँ बाप को, हर किसी के माँ बाप को ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे और हर किसी को अपने जुमान में रखे, उनको सेहत दे। तो भाई अभी जो है ना मैं और मुस्फ़िर हम दोनों सफाई में लगे हैं, आप लोग देख सकते हो झाड़ू वगैरह ले लिया हमने, हम सफाइयाँ शुरू कर रहे हैं। तो अभी जो है ना हमारी सफाइयाँ शुरू हुई थी तो मैंने बोला आप लोगों को भी बता दूं क्योंकि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, तो आप लोगों को भी हर बात की अपडेट होनी चाहिए कि भाई हमारे घर में क्या हुआ है, कैसे हुआ है। आप लोगों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी नानी के लिए दुआ करें इन कॉमेंट सेक्शन। और जैसे ही वो घर आएंगे इंशाल्लाह तबीयत बेहतर होने के बाद हम आपको उनसे मिलवाएंगे भी कि भाई हमारी नानी की क्या सिचुएशन है और कैसी तबीयत है, हम सब दिखाएंगे। तो पहले हम लोगों को सफाइयाँ करनी है क्योंकि हम लोगों को मेहमान आ रहे हैं घर में और ताज़ियत के लिए। तो हम लोग जो है ना यहाँ सफाइयाँ शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने डस्टिंग वगैरह भी करनी है, फिर हम लोगों ने रेडी भी होना है और फिर नानी हमारे घर आएंगी, सो वो भी सीन दिखाते हैं, ठीक है। बट मेहमान रश वगैरह होगा घर में तो हम आपको दिखा नहीं सकते पूरा टोटली व्लॉग कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो मैं होप करूँगी कि आपको सब मिले, लेकिन जो जो मुझसे हो पाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम लोग सफाइयाँ कर लेते हैं, ठीक है, घर वगैरह साफ़ कर लेते हैं, किचन बाथरूम और रूम साफ़ करके फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। हम आपको दिखाते भी रहते हैं कि क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या कर रहे हैं। तो अभी जो है ना मुझसे यहाँ पर डस्टिंग कर रही है हर किसी चीज़ की, मीन्स मिरर की। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ ये पूरी सारी चीज़ों की हमने डस्टिंग करनी है, यहाँ की ये वाली चीज़ें मैं डस्टिंग कर चुकी हूँ, ये सब मैं बिछा चुकी हूँ। अब यहाँ की जो ना मैंने झाड़ू वगैरह करनी है यहाँ से, ठीक है। और ये फ्रिज वगैरह साफ़ कर दिया, फ्रिज साफ हो गया, चलो ठीक है डन हो गया। आ जाओ नीचे फिर मेरी वीडियो बना लो, मैं काम कर रही हूँ तो ये भी दिखा देते हैं क्योंकि आप लोग बोलते हो मैं काम चलूँ, भाई करते हैं हम काम यार, करते हैं, घर को साफ भी रखते हैं, लेकिन आपको दिखता नहीं है व्लॉग में, वो क्या करें। कैमरा के जो रेजोल्यूशन होते हैं, कैमरा की जो वो क्वालिटी होती है, उसकी वजह से मैं भी आप लोगों को नजर ना आता हूँ कि हमारा घर साफ भी रहता है भाई, ठीक है। तो सफाइयाँ करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये देखेंगे यहाँ झाड़ू हो रही है, ठीक है, ये मैं प्राप्ति कर रही है पूरे घर की झाड़ू, मैं डस्टिंग कर रही थी, मैं चलो पहले इसका वो बना लेते फिर मैं। भाई हम लोग सफाइयाँ भी करते हैं, घर को साफ भी रखते हैं और अच्छे से डस्टिंग वगैरह भी करते हैं, ठीक है। आज इसलिए आपको दिखा रहे क्योंकि आप लोग मानते नहीं हो कि हम लोग सफाई करते हैं, भाई हम दोनों मिलके, हम दोनों बहनें मिलके सारा घर का काम करते हैं और आपको हर चीज़ दिखाते नहीं है, तो ये मतलब नहीं है कि हम कुछ करते नहीं हैं, हम सफाइयाँ भी करते हैं और घर के काम भी अच्छे से करते हैं, लेकिन आप लोगों को दिखता नहीं वो अलग बात है। नाइट सूट पहना हुआ है देख ले। हाँ चेंज भी करना है, पता आप लोगों को घर में मेहमान आ रहा है। और चलो आपको स्टैंड में लगा के जो है ना सब चीजें दिखाते हैं, वेट। वही घर साफ हो गया हमारा, ठीक है, फाइनली ऑलमोस्ट डन। हालत देख रहे हो, पसीना पसीना हो गया है भाई, कराची का मौसम चेंज ही नहीं होने को आ रहा, सब मतलब हर जगह के मौसम बदल गए हैं, किसी के यहाँ ठंडी आ रही है तो किसी के यहाँ बर्फबारी आ रही है। सीन कुछ यूँ है कि भाई कराची के जो है ना हालात बदलने का नाम ही नहीं ले रहे, हालत देख रहे हो आप, पसीने से भरी हुई है, ठीक है। तो आप लोग रूम की कुछ हालत देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ नानी का हमने बिस्तर कर दिया है, ये मम्मा पापा का, और बाकी यहाँ हम लोग लेट जाएंगे जैसा भी होगा सिस्टम, ठीक है। बाकी भाई बहुत गर्मी थी, आप लोग हालत देख सकते हो हमारी, और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, और चेंज करने के बाद हमें थोड़ा सा व्लॉग शूट करना है, वो करना है, खाना वगैरह का सिस्टम देखना है कि भाई क्या सिस्टम है खाने का। तो चलते हैं देखते हैं, अभी खाने वगैरह का सिस्टम करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं कि भाई हम खाने में क्या पका रहे हैं
और पहले चेंज कर लें क्योंकि हालत बहुत बुरी हुई है। नाइटी पहना हुआ मैंने, मीन सस्ता वाला नाइटी पहना हुआ। तो चलते हैं खाने की तरफ और देखते हैं कि खाने में कैसी इंजाम। तो जी नानी जो है ना घर आने वाली हैं, कुछ टाइम रह गया, मैं रेडी शेडी भी होके खड़ी हो गई हूँ और जो है ना मैंने खाना भी रेडी कर दिया और खाने में पके हैं भाई तिक्के, ठीक है, क्योंकि मेहमान भी आ रहे हैं हमारे घर में। तो मैंने यहाँ तिक्के बना सुना के रेडी कर चुकी हूँ, यहाँ दम लगाने के लिए मैंने रख दिया सब कुछ, ठीक है। अच्छा मैं आपको रेसिपी इसलिए नहीं शेयर कर पाई क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना था फटाफट से, क्योंकि मैंने कहा था कि बस हम जल्दी जल्दी आ रहे हैं खाना तैयार करके रखना। मैं खाना वगैरह तैयार करके बैठ चुकी हूँ, अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ कि भाई कैसा बनाया और क्या है, सबको जो है ना टेस्ट भी करवाने वाले हैं कि कैसा टेस्ट है इस खाने का जो मैंने बनाया खुद अपने हाथों से, यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी खाना। तो चलिए इंशाल्लाह आने वाले हैं, रास्ते में हैं, तो जैसे ही वो घर आते हैं हम खाना निकालते हैं, दस्तखान बिछाते हैं और आपसे फिर मिलते हैं सबके रिव्यू के साथ। फिर आपको नानी से मिलवाते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या तबीयत है क्या नहीं। तो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड, आप लोगों को मिलते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह दस्तखान पे, नानी जब आ जाएंगे। जब मम्मा आ गई हैं, मम्मा काट रही है सैलेड। मम्मा क्या बना रही है? सैलेड। देखो आपकी बेटी ने आपसे पहले काम कर दिया सारा। थैंक यू। सलाम पेश करो। हाँ ये नहीं बोलना कि अभी सोके उठी है, सारा काम करके बैठी हूँ मैं। आए बड़ी बताओ नानी की तबीयत कैसी है व्यूअर्स को? अब तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है, 3 दिन रहकर आए हॉस्पिटल में हम, अब रिपोर्ट आ जाए फिर बताएंगे क्या है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाई अभी तो बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, घर आ गई है अंदर है कमरे में। तो अभी जो है ना हम खाना वगैरह लगा रहे हैं, दस्तखान वगैरह लगा रहे हैं और यहाँ मम्मा सैलेड वगैरह कट कर रही हैं, खाना वगैरह सब मैंने रेडी करके रखा हुआ है, टिक्का बनाया है और कढ़ाई बनाई है, ठीक है। दो चीज़ें हमारे खाने में क्योंकि लोग ज़्यादा थे तो इतनी सी टिक्के में तो होना नहीं था पूरा। तो भाई यहाँ पापा भी आ चुके हैं, आप लोग पापा को मिस कर रहे थे आई थिंक सो के पापा कहाँ हैं? तो भाई ये रहे पापा और क्या बोले मामू भी है अंदर। मामू भी आए हुए हमारे, मुमानी भी है, आपी भी है और नानी की बहनें भी हैं, हम भी हैं, हमारी पूरी फैमिली भी है और ये चुड़ैल भी है, ये चुड़ैल भी है। हाँ ये भी है, चलो ये भी है, इसके तो कपड़े ही नहीं बदलते, देख तो लो गाइस आज नेचुरल ब्यूटी दिखाती हूं मैं। दो दो हफ्ते में इसको कपड़े बदलवाने पड़ते हैं मार मार के। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जाके दस्तखान लगाओ ब्लू कपड़े पहने, देखो गाइस वही कपड़े पहने जो आपको दो हफ्ते पहले ब्लॉग में मिली थी ना। मैंने बदल लिए कपड़े, मम्मा ने बदल लिए, फाइनली मम्मा ने कपड़े बदल लिए गाइस। आप लोगों की फरमाइश पूरी हो गई, मम्मा को नया सूट दिला के लाई हूँ मैं, देखो देखो कितना प्यारा लग रहा है। मम्मा दिखाओ, खड़े होकर दिखाओ, देखो कितना प्यारा लग रहा है मम्मा का सूट। चप्पलें भी नई दिलाई मैंने अपनी मम्मा को और ये कपड़े भी नए दिलाए, देखो देखो लग रही है ना प्यारी। ऐसे ही आप लोग मुझे ना प्यार देते रहे ताकि मैं इनको न्यू सूट न्यू शॉपिंग करवाती रहूं। अभी एक सूट दिलाया, अब इंशाल्लाह और दिलाएंगे, जैसे जैसे पैसे आएंगे जैसे जैसे हालत सही होंगे इंशाल्लाह और दिलाएंगे, ठीक है। सैलेड हमारी बन के रेडी हो गई है, अब खाना लगाते हैं। चलो भाई आ जाओ, चलो तो सामान लगाओ, वो देखो मैं चांद पे चढ़ गई। चलो हेलो गाइस, चलो जी दस्तखान लगाते हैं। मैंने सोचा था कि आपको दस्तखान पे मिलूं लेकिन मम्मा ने कहा कि भाई हम आ गए तो दिखा दो सबको। तो मैं दिखाने आ गई थी कि मम्मा रेडी शेडी होके खड़ी हो गई है क्योंकि यार वहाँ तो आपको पता हॉस्पिटल में क्या हालत होती है, क्या सिचुएशन होती है। तो अब जो है ना हम लोग दस्तखान वगैरह लगाते हैं, दस्तखान पे मिलते हैं, ठीक है। पालो भाई आपकी कराची की लड़की ने क्या बनाया है, हाय 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 मजेदार, दिखाओ तुमसे दिखाओ मजेदार, दिखाएंगे दिखाएंगे। देखो ये सब मेरा कमाल है, ये सब आपकी कराची की लड़की का कमाल है। देख रहे हो सेकंड वाला सालन दिखा, सेकंड वाला सालन दिखा, ये वाला हमारा पहला सालन है, ये वाला हमारा सेकंड सालन है। ये इनकी नानी के लिए है करेले, करेले नानी के लिए बनाया, जिसको पसंद नहीं है। हाँ। मम्मा ने जो ना अर्जन अर्जन आके बनाया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि नानी को क्या क्या मना है, अब पता चल गया है। तो मम्मा ने आते ही जो है ना करेले बनाए मम्मा के लिए, मतलब नानी के लिए ना, मम्मा की मम्मा के लिए। हमें प्रापी का पसंद है, मुझे हर चीज पसंद है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे करेले भी पसंद है, मुझे ऑल सब्जी पसंद है, ऑल वेजिटेबल्स पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। कराची की लड़की ने कितनी मेहनत की, सुबह सुबह उठ के ये पकाया सब कुछ, सफाई की। हमारी व्हाइट कढ़ाई है, ये भी मैंने कल रात में रेडी की थी तो आज निकाल लिया हम लोगों ने। देखो मैं इन सबकी ना आपको रेसिपी भी नहीं शेयर कर पाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको इन सबकी रेसिपी भी शेयर करूंगी वेजिटेबल्स वगैरह की। मेरे एक कमेंट में आया था कि आप वेजिटेबल और मसाले की रेसिपी शेयर करें, तो इंशाल्लाह वो लास्ट में मैं इंशाल्लाह करूंगी, आगे बनाऊंगी सब कुछ बनाएंगे। तो वेजिटेबल मैंने बना ली थी, मम्मा ने आते ही तो मुझे बताया नहीं था कि भाई ये बना रही हूँ मैं, वरना मैं आपको उसकी रेसिपी लास्ट में शेयर कर दी। तो यहाँ देखो क्या चल रही है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये हमारी व्हाइट कढ़ाई है, आज 3 सालन है हमारे खाने में व्हाइट कढ़ाई, नानी के लिए हमने बनाए करेले, तीसरी हमने बनाई है टिक्का, ठीक है। और ये इंशाल्लाह रेसिपी मैं बहुत जल्द आपको शेयर करने वाली हूँ, इन सबकी अर्जेंट अर्जेंट हुआ वरना सबकी आपको पता है मैं कहाँ पीछे हटती हूँ आपको ये सब रेसिपी शेयर करने में ना।
जो है ना हमारा दस्तान लग गया है। ये रही हमारी नानी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। ये हमारी नानी की बहन, हमारी दूसरी नानी, यहाँ पर सब दस्तखान में बैठ चुके हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, निकालें फिर सबको रिव्यूज़ दें खा पी के। देख रहे हो आज, आज देख रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह बरकत, देख रहे हो बरकत। ये देखें यहाँ सब आ गए, दस्तखान लग गए, हम भी बैठ ही जाते हैं कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। हाय वहाँ मामू बैठे हैं, वो मेरी सामने वाली खिड़की में सब है माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो मम्मा मुझे भी निकालो, अब मुझे भी निकालो। अबे कहेंगे किससे, रोटी तो आया नहीं। रोटी लाओ, रोटी लाओ, वो सिंपल वाली रोटी खा। क्या हो रहा है हमारे यहाँ, सालन आ गए, रोटी का आता पता ही नहीं है। उंगली मार दी पापा हमारी प्लेट बनाते हुए, ये कढ़ाई डालते हुए, क्या नाम है इसका, इसका क्या नाम होता है, टिक्के। हाँ वही ना, टिक्के बनाए मैंने, मुझे नहीं पता होगा भाई, बस बस ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, सालन नहीं डाले। देखे भाई खाना इतना ही लें जितना आप खा सके, ठीक है। सब्जी भी निकाल लो, चल तुम नहीं खाओगी मैं खाऊंगी। सब्जी निकालो, सब्जी निकालो, सब्जी मम्मा सब्जी निकाल के देना जरा। सब तैयार हुआ था, मंतोष ने बोला मैं कसर क्यों छोड़ू, मैं कसर क्यों छोड़ू, दिखाओ तैयारी तो दिखाओ। नहीं यहाँ निकल गया हमारे तीनों सालन, ये आ गए टिक्का, ये आ गई वाइट कढ़ाई, आ गया है हमारी करेले, और ये आ गया हमारा सैलड। बस अम्मा बस, इतना बहुत ही, इतना बहुत ही। अच्छी बनाई है ना प्लेट, ही डाल दो प्लेट, मजा ना वैसे। क्यों, चलो जरा आप इसके रिव्यू दें हम आपको। तो भाई ये देखो, ये हमारी प्लेट है कुछ रेडी इस तरीके से हुई है, और रोटी में हमारी मम्मा के हाथ की रोटी है ये वाली, घर की खराब हो जाएगी। हाँ सही है, एक एक करके सालन टेस्ट लगाते हैं। पहले हम करेंगे व्हाइट कढ़ाई टेस्ट, ठीक है। कौन सी, इसमें ना व्हाइट कढ़ाई में और टिक्के में ना हम लोगों ने दम लगाया, कोई लेगा और सेकंड हम टिक्का चखेंगे। ये जो है ना तंदूरी चिकन की तरह बना, सेम टू सेम, फिर भी ये तंदूरी चिकन की तरह बना है। ओ तंदूरी चिकन की तरह नहीं बना, ये तंदूरी चिकन ही है। कंफ्यूज हो गई, बाकी अच्छी नहीं बनी, किसी ने नहीं खाई, जबरदस्त बनी आपकी, किसी ने नहीं खाई, बहुत अच्छी अम्मा। इसको मैं देती हूँ 10 out of 9, उसको मैं दूंगी 10 out of 10। अब इसको करेले को भी तो चखना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हम। वेजिटेबल है तो क्या हुआ, हमारी फेवरेट है। चलो करेला, मुझे चेक कर ले पता चल जाएगा आप इसका टेस्ट। कबाब बना तो रेसिपी, जो बात सब्जियों में होती है ना वो बात इन इन चीजों में नहीं होती। छिलो जरा, छिलो, टेस्ट इसमें नहीं होता। दे दो जरा, माफी दे दो, बहुत टेस्टी था वाला। बस तो भाई हम लोग खाना वाना कर लेते हैं, फिर आप आपसे मिलते हैं थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ देखो हमारी मंतोषा का भी रिव्यू ले लो, खाओ मुझे चेक करा माँ वाली, आप लिपस्टिक चेक करें। कैसे बना है रिव्यू दो, कैसा है, टेस्टी है, यम्मी है। यहाँ सब हमने खाने में लगे हैं भाई, रिव्यूज तो बता दो, कैसा बनाया है, मैंने खाना कैसा बनाया है। स्टनी बनाया भी बोल ली है। अच्छा मम्मा से पूछ लो, अम्मा बताओ किसने खाना बनाया है। मम्मा सुबह से रात से पका रही है और नाम इन्होंने अपना ले लिया। बस कर दो बस, चलो चलो खाना खा के बताओ, छुट्टी है। मुझे एक्सपोज ना करो, खाना खिला वो रिव्यू बताओ, चलो कैसा बना। बना बहुत जल्दी ना, मैं अपनी बहनों को आज के जाकर जानता हूं। बेटा उन्हीं की बेटी हूं मैं भी। हां ये पता है, तो जायका तो आएगा ना। अच्छा अच्छा नानी कैसा बना खाना, बेहतरीन मुझसे कैसा बना खाना, मजे का, मम्मा के हाथ का। ये तो उसको दो, मुझे हाथ मार रही है। तो भाई अब मैं अपने जेन्युइन रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। जेन्युइन रिव्यू, हम लोगों ने नानी के लिए वो बनाए थे करेले। नानी करेले कब लोगी, मगर इन्होंने करेले लिए नहीं। हाँ टिक्का चल रहा है, देखो क्या हॉस्पिटल की खिचड़ी खा खा के मैं थक गई। अच्छा इसलिए चटपटा खाऊंगी अब। चटपटा खिलाने के लिए नानी के लिए बनाया। नानी कैसा बना है, देखो एक दिन में 3 डिश, हमारे घर में कभी नहीं बनी। अल्लाह माफ कर, बड़ी नमक आ रहा है, 5-5 डिश खाती है। वैसे मेरी जो है ना डेली की बिरयानी है,
मैं कुछ खाऊं ना खाऊं बिरयानी लाजमी खाती हूँ। बंगाली है ना, बंगाली लोग चावल। तुम हो बंगाली? तुम मच्छी चावल खाती हो, हम नहीं खाते। तो भाई जल्दी जल्दी से पेट पूजा करते हैं, ठीक है? मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। भाई जो हमारे मेहमान आए थे ना वो सब जा चुके हैं, मतलब जो पूछना आया था तभी नानी की वो पूछ के जा चुके हैं, ठीक है? और अब जो है ना हम आपको सिस्टम दिखाते हैं किचन का क्या हाल हुआ है हमारे। सेना चौधरी, ये देख रहे हो बर्तनों का ढेर, देखो आप लोग बस ये देखो। उमा सारे मेहमान चले गए, देख रहे हो? मेहमानों के जाने के बाद जो सिस्टम होता है ना वो ये है कि भाई बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और ये देखो बर्तनों का ढेर देखो, तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह। और मम्मा धोएंगी सारे मिल के। अम्मा कैसा फील होता है बर्तन धोते हैं? देख लो पता चल जाएगा। कह रही है दो के देख लो पता लग जाएगा। तो भाई मेहमान वगैरह सब जा चुके हैं और अब जो है ना बारी है कि सफाइयाँ कर ली जाए। फिर आपको पता है कि टाइम भी ऐसा हो रहा है कि खाने पीने करने के बाद, मतलब बर्तन वगैरह साफ करने के बाद, पूरे घर की सफाई करने के बाद हमें सोना ही है। तो भाई इस व्लॉग को यहीं पर ही करते हैं एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ मुझे बहुत सारा याद रखें। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।